क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान आजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक की है। इसी दौरान बाबा बागेश्वर पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा हिंदू की बात करके अपनी दुकान चला रहे हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसे बाबा आए, उनका क्या हश्र हुआ है सभी को पता है। बागेश्वर बाबा बिहार आकर सिर्फ हिंदू और हिंदू की ही बात करते हैं। नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं, बहुत ईमानदार भी से प्रयास कर रहे हैं और बात सही है। जिस प्रकार से जयप्रकाश जी यहाँ क्रांति लाने की बात की थी तो अपना कोई पद की बात उन्होंने नहीं की थी तो क्रांति सफल हुई। नीतीश कुमार भी बिहार की धरती से अपने को कोई पद का लोभ न करते हुए सिर्फ विरोधियों का एकजुटता हो इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं सहरसा में नगर निगम चुनाव को लेकर उपमेयर प्रत्याशी वैद्यनाथ भगत का नामांकन अनोखा देखने को मिला है। प्रत्याशी वैद्यनाथ ने दंड प्रणाम देकर उपमेयर पद के लिए नामांकन किया है। इस तरह के नामांकन को लेकर अब शहर में काफी चर्चा हो रही है। लोग इस तरह के दंड प्रणाम और नामांकन को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर 9 मई से ही नामांकन का दौर चल रहा है और ये नामांकन का दौर 17 मई तक चलेगा। नगर निगम का चुनाव 7 जून को होना है। अभी तक मेयर पद के लिए कुल 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है। उप मेयर पद के लिए भी कुल 11 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अपने आवास से विकास भवन तक दंड प्रणाम करके आपने आया है और नामांकन दाखिल किया है। किस पद से नामांकन दाखिल किया है और इस तरह से विकास भवन आना, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी मीडिया भाइयों को प्रणाम करता हूं और साथ साथ सहरसा के नगर निगम के महान जनता भगवान को प्रणाम करता हूं चरणों में। आज हमारा ये संदेश इच्छा हुआ जो हम लोकतंत्र के भगवान के मंदिर में नाम लिखाने के लिए जा रहे हैं फर्स्ट बार, तो महादेव के मंदिर में जाते हैं दर्पण नाम देके, तो क्यों नहीं हम जनता भगवान के दरबार में अपना नाम लिखाने के लिए जा रहे हैं तो दर्पण नाम देके जाए। वैद्यनाथ भगत ने एक अनोखे तरीके से अपना नामांकन दाखिल किया है जिसको लेकर अब लगातार चर्चा का दौर जारी है। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र में बेटी के लापता होने से परिवार वाले परेशान हैं। पीड़ित परिजनों ने जानकारी देते हुए कहा कि पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था। इसी दौरान पड़ोसी किराएदार ने उसे बहला फुसला कर अगवा कर लिया और आज तक बेटी घर वापस नहीं लौटी है। इस मामले में पिछले 2 महीने से परिजन कई बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्ची को सकुशल बरामद नहीं किया गया है। इसी वजह से पीड़ित परिवार किसी बड़ी अनहोनी की लगातार आशंका भी जाहिर कर रहा है। तो वही दूसरी तरफ थाना अध्यक्ष ने कहा कि बच्ची के अगवा करने का मामला सामने आया है। फिलहाल टीवी कैमरे में तस्वीरें कैद है जिसके बाद पुलिस उसे पहचान करने में जुटे हुए हैं। तो पड़ोसी किराएदार पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक उस मामले पर कार्रवाई नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद जो पीड़ित परिजन है वो लगातार थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल जो
बच्ची है उसके परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले किरायेदार ने बच्ची को बहला फुसला कर अगवा कर लिया, जिसके बाद से उसका कोई भी अता पता नहीं लग पा रहा है। वहीं पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन थाना अध्यक्ष का इस मामले पर कहना है कि इस पूरे मामले की CCTV अब सामने आ चुकी है, जिसमें लगातार जो किरायेदार है उसकी तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों आगजनी की घटना में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। किसी न किसी क्षेत्र में आए दिन आगजनी की घटना सामने आती ही रहती है। वही ताजा मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के कोकिलवारा गांव का है, जहां आंधी तूफान के बीच एक मवेशी के पशुशाला में आग लग गई है। तेज हवा के कारण आग लगातार फैलती चली गई, साथ ही वहां बंधे मवेशियों को बचाने के दौरान किसान गजेंद्र सिंह भी जिंदा जल गए। आग बुझने के बाद किसान की मौत की जानकारी लोगों को हुई और घटना के बाद गांव में अफरा तफरी तक मच गई। वही इस आगजनी की घटना में कई घर जलकर राख हो गए, जबकि लाखों की संपत्ति भी जलकर राख हो गई है। घटित हुई है सर, कोकिलवारा में आग लगने से एक आदमी की मृत्यु हो गई है। कितना घर जला है? लगभग 12 घर जला है। अच्छा, फायर ब्रिगेड की टीम? हाँ, मुजफ्फर एक बड़ी टीम आई है, मुजफ्फरपुर से आई है, और आई की जो है वो भी थी। अभी स्थिति क्या है वहाँ पे? सामान्य है। आगे की प्रक्रिया क्या की जा रही है? सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। खुद खबर है कि पूर्व में दो दिन पहले चचरी पुल के पास स्वच्छता अभियान वाला कचरा फेंका जा रहा था, उसमें आग लगा था, और आज तकरीबन 8 बजे हवा तेज चलने के कारण उसमें से जो आग की चिंगारी है, यहाँ राय जी का 4 घर था, उस पर चिंगारी पड़ने के कारण हवा के तेज कारण मुख्य रूप से भीषण आग लगा और 4 घर जल के राख हो गया और एक आदमी की मृत्यु भी हो गई, जिसका नाम गजेंद्र राय, तकरीबन उसका उम्र 55 वर्ष। मोतिहारी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और चंद मिनटों में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश ने पूरे शहर वासियों को उस भीषण गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन इस तेज आंधी पानी ने कई पेड़ों और कई दुकानदारों की किस्मत पर भी पानी फेर दिया है। मोतिहारी शहर की हृदय स्थली कहे जाने वाले गांधी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब आंधी की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से आसपास की दुकानों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी तरह की जान माल के नुकसान की फिलहाल तक कोई खबर नहीं है। साथ ही साथ विशालकाय पेड़ की चपेट में 2 रिक्शा सहित 3 वाहन भी आ गए हैं। मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया, इस दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी देखने को मिली, जिससे कई जगह के पेड़ भी गिर गए। जो आवागमन है वो भी पूरी तरीके से बाधित हो गया, जबकि कई दुकानें भी आंधी पानी की चपेट में आ गई, तो वही कई ज्यादा नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल गनीमत ये रही कि किसी तरह के जान माल के नुकसान होने की कोई आशंका नहीं है। भागलपुर में पत्ता बेचने वाली महिला की मौत और कांस्टेबल नीतू की मौत को लेकर SSP ने कहा कि दोनों केस में अनुसंधान चल रहा है, जल्द दोषियों पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं, अपराधी अपराध को इस कदर अंजाम देते दिख रहे हैं कि मानो प्रशासन का उन्हें कोई भय ही ना हो। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के पास से एक महिला को चाकू मारने की सूचना आई थी। अपराधियों ने एक मवेशी का पत्ता बेचने वाली महिला की चाकू मारकर हत्या तक कर दी थी। उस जो उल्टा पुल के पास में उसके नीचे एक महिला को चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था, और वो महिला भोगा क्षेत्र की रहने वाली थी, तो उसकी पहचान एक दिन बाद हुई और उसमें FIR दर्ज हुआ है। महिला के जो मायके वाले हैं उनके तरफ से FIR दर्ज हुआ है, और उसमें अभी 2 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ चल रही है, और पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुसंधान कर रही है। जैसे हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचेंगे तो आपको सूचित किया जाएगा। महिला कांस्टेबल जो RPF में कार्यरत थी, उनके द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई, और उसमें जो शव को RPF के जो स्टाफ थे वही लोग मायागंज अस्पताल लेके गए, और वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, और उनके परिजनों के द्वारा जो
जो महिला के ससुराल वाले पति और उनके ससुर इत्यादि लोगों पर दहेज का और आत्महत्या के लिए उकसाने का के आरोप को लगाकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राइम बिहार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।